G7 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंच गए हैं। जी हां, द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे और ये बायलेटरल टॉक्स काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। AI सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे पीएम मोदी, साथ ही साथ बाइडेन से भी मुलाकात हो सकती है। तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, बार बनने के बाद ये पहला विदेश दौरा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटली के अपुलिया शहर में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री का इटली के ब्रिंडिसी एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक दिवसीय दौरा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है वहाँ पे निकल गए हैं और ये आप ये समझें कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है लेकिन इंडिया को G7 बुलाया जाता है। एक तो मेलनी मोदी एक मर्तबा फिर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है और आपको पता है कि जॉर्जिया मेलनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात और उनको बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं और उनकी जो रेकमेंडेशंस होती हैं उनको वो बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं। तो वहां की राष्ट्राध्यक्ष मेलोनी ने उनका स्वागत किया, हाथ जोड़कर भारत की ही तरह नमस्ते करती हुई भी नजर आई मेलोनी। सोशल मीडिया पर जमकर तस्वीरें भी वायरल, इन सब के बीच पीएम मोदी की ये तस्वीरें जब वो इटली पहुंचे और अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंडा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और इंडिया इटली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़ी जबरदस्त है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 मीटिंग के लिए इटली पहुंच चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला विदेश दौरा है और बहुत अहम दौरा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल टाइम, पाकिस्तानी मीडिया सब के सब इस दौरे से जले हुए हैं। इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि G7 में इस बार अलग से 4 देशों को बुलाया गया जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक सऊदी अरेबिया, एक भारत, एक यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन एक अहम मुद्दा बना हुआ है, और चौथे नंबर पे ताइवान को भी इनवाइट किया गया। लेकिन दोस्तों सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हज के कारण से वहाँ नहीं पहुँच पाए, भारत पहुँचा है, नरेंद्र मोदी जी पहुँचे और 1-to-1 टॉक होगी नरेंद्र मोदी जी की जो बाइडेन के साथ भी, जस्टिन ट्रूडो के साथ, कनाडा के जेलेंस्की के साथ भी होगी और मेलोनी के साथ तो होगी होगी ही हो। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन ये, बहुत सारे न्यूज़ जो चैनल्स हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई G7 जो नेशन है उनका भारत के बिना गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि G7 के जितने भी देश हैं उनका भारत के साथ बहुत भारी मात्रा में ट्रेड है और भारत के जो वर्कफोर्स हैं, भारत के जो इंटेलिजेंस लोग हैं वो जो है भारी मात्रा में इन G7 देशों में काम करते हैं। तो G7 देश भारत को किनारे पे रख ही नहीं सकते, भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ता देख चाइना भी जल रहा है कि भाई G7 में भारत को क्यों बुलाया गया और पाकिस्तान तो जल के राख हो ही रहा है। देखिए, ये जो आपको याद होगा कि उन्होंने जब सेल्फी ली थी जॉर्जिया मेलनी ने नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो दोनों की सेल्फी इतनी कुचली थी, इतनी कुचली थी, वो पूरी दुनिया में सब कह रहे थे कि देखें सेल्फी, वो मेलनी मोदी सेल्फी हो रहा था, है जी, सेल्फी सेल्फी हो रहा था। तो अब फिर मेलनी मोदी हो रहा है लेकिन वो इस तरीके से हो रहा है कि उन्होंने उनको G7 समिट के लिए इनवाइट कर लिया। अच्छा, सिर्फ जॉर्जिया मेलनी ही नहीं, मैं ये समझती हूँ कि दुनिया के जो और लीडर्स हैं वो भी इस वक्त ये समझ रहे हैं और जान चुके हैं कि जो मोदी रिटर्न है, जो कि उनके ओपोनेंट्स के लिए मम्मी रिटर्न, और जो IMF और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की, पूरे उन्होंने सारे वो इशारे दे दिए हैं कि इस अब बनने जा रहा है अगला, तो उनको भी ये कॉन्फिडेंस है। बहुत साफ, शफाफ, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट स्टेटमेंट में जॉर्जिया मेलोनी जी ने एक बात कही और बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में, कॉन्क्लेव में उन्होंने कही, जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जहां पर कई देशों के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक जी भी वहां पर थे, एलॉन मस्क जी भी वहां पर थे और इन तमाम लोगों के सामने उन्होंने ये बात कही है कि यूरोप में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के साथ यूरोप के लोगों की कंपैटिबिलिटी या पूरे इटली के लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं मैच कर रही, और इस बात को मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ।
साथ साथ ऋषि सोनक जी ने भी कहा है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट है जो ब्रिटेन आए, ब्रिटिश आए हुए हैं, उनको निकल जाना चाहिए, उनका पूरा दस्तावेज रेडी किया जाएगा। हमारे यहाँ आसाम के मुख्यमंत्री वो भी पूरा डेटा बना रहे हैं जो इलीगल माइग्रेंट है उनको निकालना पड़ेगा, और बिल्कुल निकालना पड़ेगा। हर देश की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को सुकून में रखना चाहिए, तभी ना हम डेवलप होंगे, तभी ना हम इम्प्रूव होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम यही चीजों में लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे और तेरा मेरा रिश्ता करते रहेंगे, लाई लाभ पढ़ते रहेंगे, तो हम आगे कब बढ़ेंगे, हमारा देश आगे कब बढ़ेगा। तो ये जितने भी हुड़दंगबाजी है फकर भाई, ये जितनी भी जिहादी एक्टिविटीज है, या तो मुसलमान समझ ले, और उनको ये समझना चाहिए कि अगर मुसलमानों को इम्प्रूव होना है, डेवलप होना है, आगे बढ़ना है, तो उनको शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको अपनी इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको अपने बच्चों के फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कि इस्लाम की तबलीग ये अपने घर के अंदर करिए ना, अपने बच्चों को समझाइए पांच वक्त नमाज पढ़ना है, अपने बच्चों को समझाइए कि जिहाद क्या होता है, अपने बच्चों को समझाइए कि जन्नत में 72 वर्जिन हूरें कैसी होंगी। तो ये सारी चीजें आप अपने घर के अंदर बच्चों को समझाइए, बट फॉर गॉड्स सेक आप बाहर निकल करके आप हुड़दंगबाजी मत कीजिए। स्पेशली मैंने देखा हमारे पाकिस्तान में, शायद आप लोगों के हिंदुस्तान में भी, ये हम चाहते हैं कि भाई अगर मैं हूं, मैं जिस तरह का मुसलमान हूं, अगला उसी तरह का मुसलमान होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर उसकी खैर नहीं है। ये मुझे मतलब इससे बड़ी मुझे चिढ़ है, हकीकत है मुझे इससे चिढ़ में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका इंडिया हिस्सा है। सो जितनी भी ग्लोबल एक आउटरीच है या ग्लोबल एक कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन। ठीक है जी, अब होगा क्या, अब सुनने में तो ये आया कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको भी इनवाइट किया गया था G7 के इजलास में, लेकिन वो नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं हमारा हज सीजन है तो हम नहीं जा सकते, समझ रहे हैं। हालांकि कोई मसला नहीं है, जाना था 2 घंटे के लिए अटेंड करके आ जाना था, लेकिन जानबूझ के मोहम्मद बिन सलमान नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि हम मेंबर तो है नहीं है, हम क्यों जाएं वहां जाके बैठें और आपका एहसान लें। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं हम एहसान लें। अच्छा, ये चीज़ इंडिया पे भी फिट हो सकती है कि व्हाई इंडिया इज एक्सेप्टिंग दीज इनविटेशंस अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई मोहम्मद बिन सलमान हैज़ ऑलरेडी यू नो, उनका एक स्टेचर और उनका स्टाइल, पॉलिटिक्स स्टाइल डिफरेंट है, वो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उनकी स्टाइल डिफरेंट है। नरेंद्र मोदी इज़ अ डेमोक्रेसी, वो उनके साथ हैं, ठीक है जी। और मज़े की बात तो सुनने में ये पता चला है कि नरेंद्र मोदी जो है वो G7 की मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो साथ में वो इटली भी जाएंगे और पोप वेटिकन से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये जो सारे का सारा आप G7 का एजेंडा देखें तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी पोप वेटिकन से मिल रहे हैं, यूक्रेनियन प्रेजिडेंट ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं, फ्रेंच प्रेजिडेंट मैक्रोन से मिल रहे हैं, ट्रूडो से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं, और इनकी बहुत सारी साइडलाइंस पे मीटिंग भी है। अब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर साहब जब मुलाकात होगी तो उधर कुछ ना कुछ तो टक टक होगी ना, ठीक है जी। और ये चीजें जो हैं दैट टेल्स अस द स्टोरी कि इंडिया जो है वो जिस तरह G7 के अंदर अपने फुटप्रिंट जो है वो गाड़ चुका हुआ। दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसमें इसको अगर एनालाइज किया जाए तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। G7 का इंडिया के बगैर कोई गुजारा नहीं है, ठीक है जी। और G7 को इस चीज का पता है, G7 इन चीजों को जानता है, G7 इन चीजों को देख रहा है कि भाई साहब एक तरफ आप ये समझें कि नरेंद्र मोदी के साथ इंगेज करना है, एक तरफ अगर आप ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ इंगेज करना है तो वो कैसे इंगेज करना है, तो वो समझ रहे हैं कि इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाया जाए। जितना ज्यादा हम इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे उतना ज्यादा हम लॉन्ग टर्म ताल्लुक इंडिया के साथ डेवलप कर सकते हैं। कई लोगों का तो कहना यह ना कि क्या करना है, क्यों इंडिया चाहता है इस तरह, क्यों यूरोप चाहता है। भाई